नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहे। समय समय पर छात्रों के द्वारा मुझसे पूछा जाता है कि सर, SSC के द्वारा जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या फिर जूनियर ट्रांसलेटर का एग्जाम होता है उसके लिए योग्यता क्या होती है, परीक्षा का पैटर्न क्या होता है। तो आज मैं ये सब इन्हीं बातों पर चर्चा करूंगा। अभी 2023 की जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा और मैं बताऊंगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। आप देख लीजिएगा इसके हिसाब से आप एलिजिबल हैं कि नहीं और क्या क्या इसके स्कोप हैं। तो आपको बता दूं कि SSC के द्वारा प्रत्येक वर्ष जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या फिर जूनियर ट्रांसलेटर का एग्जाम का आयोजन किया जाता है और इसके अंतर्गत दो तीन प्रकार के पद होते हैं। एक तो होते हैं सेंट्रल सेक्रेटरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस। तो यहाँ पे जब आप जूनियर ट्रांसलेटर बनते हैं तो आपकी पोस्टिंग होती है सेंट्रल सेक्रेटरिएट में, मतलब दिल्ली में ही पूरी पोस्टिंग रहती है। दूसरा होता है सबॉर्डिनेट सर्विस, जिसमें देश भर में केंद्र सरकार के जो अधीनस्थ कार्यालय हैं, सबॉर्डिनेट ऑफिस हैं, वहां भी भर्ती होती है इसी के माध्यम से। और तीसरा होता है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी होते हैं, कभी कभी वो भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे NTPC है, सेल है, बेल है, गेल है इत्यादि। तो कुल मिलाकर इसका बहुत अच्छा स्कोप है। केंद्र सरकार की सेवा में यदि आप केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में के लिए चयनित हो जाते हैं तो जूनियर ट्रांसलेटर के पद पर भर्ती होंगे आप। इसके बाद आपकी अगली पदोन्नति होगी सीनियर ट्रांसलेटर या फिर सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर भी बोलते हैं आजकल। इसके बाद आप बनेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज, वो ग्रुप एक स्टेट पोस्ट होता है। जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर ट्रांसलेटर नाम का स्टेट पोस्ट होता है, ग्रुप बी। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज होता है वो ग्रुप बी, क्लास ग्रुप ए। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज जो होता है ग्रुप ए पोस्ट होता है, गस्टेड ऑफिसर है ना, ग्रुप ए। उसके बाद आप बनेंगे डिप्टी डायरेक्टर, फिर आप बनेंगे ज्वाइंट डायरेक्टर और डायरेक्टर। तो आप डायरेक्टर के पद तक पदोन्नत हो सकते हैं केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में शामिल होके। जहां तक सबॉर्डिनेट सर्विसेज की बात है, सबॉर्डिनेट ऑफिसेज में आप कम से कम डिप्टी डायरेक्टर के पद तक पदोन्नत हो सकते हैं। कुल मिलाकर इसको बहुत अच्छा रहता है। तो यह तो हो गई स्कोप की बात। अब मैं आपको लेकर चलता हूं SSC की वेबसाइट पर। तो इसके लिए आपको सीधा यहां पर आपको टाइप कर देना है SSC। जैसे टाइप करेंगे जो पहला ऑप्शन आएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, ये खुल गया आपकी वेबसाइट। सीधा यहां पर लेके चलता हूं, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है। यहीं पे वैकेंसी आती है आपकी, या फिर रोजगार समाचार या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आप वैकेंसी देख सकते हैं। तो आज मेरे साथ धैर्य से बने रहें जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको पूरे डिटेल में जानकारी दूंगा और आधी अधूरी जानकारी मैं आपको दूंगा तो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो बस मेरी यही गुजारिश है कि आप वीडियो स्किप करके ना जाए और पूरा जरूर देखें, ठीक है, अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो। नहीं तो बेशक आप छोड़ सकते हैं। ये जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए नोटिसेस लिखा हुआ है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, यहाँ हमें नोटिसेस में क्लिक करना है और ये जो वैकेंसीज है रोजगार समाचार या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश होती है। पिछली बार की वैकेंसी की चर्चा करूंगा तो ये देखिए, ये वैकेंसी आई थी है ना, ये देखिए कहाँ पर, ये JST में क्लिक करेंगे, ये वाला पोर्टल ओपन होता है। तो JST में क्लिक करेंगे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, फिर इसके बाद हम यहां पर आ जाएंगे। ये 22 अगस्त 2023 का नोटिफिकेशन है, नोटिस ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम 2013। तो यहां मैं क्लिक करता हूँ, यही हमको सारी जानकारी मिलेगी। तो ऐसे जब अगली वैकेंसी आएगी 2024 की, ऐसे ही इसी पोर्टल में आएगा, ठीक है ना। तो ये तो हमारा पुराना है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन था 22 अगस्त 2023 से 12 सितंबर 2023 तक था, ये सब खत्म हो चुका है। और यह जो एग्जाम है दो भागों में यह एग्जाम आयोजित किया जाता है। एक तो होता है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट, ये अक्टूबर 2023 में हुआ था। अब मैं एग्जामिनेशन का पैटर्न के बारे में आपसे बात करता हूँ। यह एग्जाम दो भागों में होता है, एक होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटा समय रहता है, 100 प्रश्न आते हैं, आगे बताऊंगा मैं आपको। और इसमें निगेटिव मार्किंग रहता है 0.25, मतलब 1/4 नंबर गलत अंकों पे कट जाता है। और यदि आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट जो होता है पेपर 1 को यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो
इसको क्वालिफाई करने के बाद जो एलिजिबल होते हैं उनका रिटर्न एग्जाम होता है, और दोनों के आधार पर फिर मेरिट लिस्ट तैयार होता है, उसके आधार पर सिलेक्शन होता है। तो ये आपने देख लिया कि परीक्षा का पैटर्न क्या है। परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे 2 घंटे में, ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है, और इसको यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब फिर सेकंड पेपर फिर होगा 100 नंबर का, 100 या 200 देखेंगे नीचे, है ना। तो ये पैटर्न है जो 2 भागों में होता है, और दोनों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होता है, रिजर्वेशन वगैरह सब रहता है इसमें। ये इतने सारे पार्टिसिपेटिंग डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, देखिए सबॉर्डिनेट ऑफिसर, सेंट्रल सेक्रेटरी, सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो अपन को इन सब में नहीं जाना है, पिछले साल की वैकेंसी ये हमारे काम की नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप रिजर्वेशन एंड सुटेबिलिटी आप पोस्ट पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो डिसेबिलिटीज है, दिव्यांग है, उनके लिए यहाँ पर रहता है रिजर्वेशन। सीनियर सिटीजन उसके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन रहता है। तो ये सारी एज लिमिट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एज लिमिट एज एन 1/8/2023 को एज लिमिट क्या था, 18 to 30 years, 18 to 30 years एज लिमिट था, और इसमें अलग अलग कैटेगरीज के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन भी दिया गया है। SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 years, फिजिकल PWD अनरिजर्व के लिए 10 years, OBC के लिए 13 years, इस तरह से एक्स सर्विसमैन के लिए 3 years। तो डिफेंस पर्सनल वगैरह जो है उनके लिए अलग अलग यहाँ पर रिजर्वेशन होता है। बेसिकली हम मानकर चलते हैं कि 30 साल, 18 से 30 साल इसका एज लिमिट होता है, ठीक है ना। तो 1 अगस्त 2023 ऐसा कोई डेट आपको दे दिया जाएगा, तो ये कोई मैटर नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज एन 12 सितंबर 2023, यहाँ ग्रुप ए बी सी जितने भी पोस्ट हैं उससे आपको उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्राय आप लोग मेरे से पूछते हैं। तो आप हम लोग देखते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहला है मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ हिंदी इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। यदि आप हिंदी में एमए किए हैं तब ग्रेजुएशन में, हिंदी में यदि आपने पीजी किया है तो ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। कंपलसरी मतलब जो ऑलरेडी रहता है, और इलेक्टिव मतलब जो हम ऑप्ट करते हैं। जैसे बीए में आपने हिंदी लिटरेचर लिया हुआ है, इंग्लिश लिटरेचर लिया हुआ है, तो ये हो गया इलेक्टिव। तो रहता है कंपलसरी फाउंडेशन कोर्स, मतलब यदि आपने पीजी हिंदी में किया है तो ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए कंपलसरी और इलेक्टिव, या फिर अगर आपने हिंदी में एमए किया है तो इंग्लिश मीडियम से आपको ग्रेजुएशन करना है, ठीक है ना। तो या तो इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मीडियम ऑफ इंग्लिश मीडियम से आपको पास होना चाहिए। आप समझ गए, अगर आपने हिंदी में एमए किया है तो आपका ग्रेजुएशन में या तो इंग्लिश मीडियम होना चाहिए या फिर इंग्लिश एज अ कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश। यदि आपने इंग्लिश में एमए किया है तो ग्रेजुएशन में या तो हिंदी आपका इलेक्टिव या कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन में आपका हिंदी माध्यम होना चाहिए, दूसरा है। इसके बाद है मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश को छोड़कर किसी भी विषय से मास्टर डिग्री यदि आपने किया है तो क्या होना चाहिए, हिंदी मीडियम होना चाहिए, उसमें इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए आपका, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब यदि आपने हिंदी माध्यम लिया हुआ ग्रेजुएशन में तो इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पर होना जरूरी है, और आपका पीजी किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है। तो मास्टर्स डिग्री आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी है, हिंदी या इंग्लिश को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री होना चाहिए और इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, हिंदी एज अ कंपलसरी आप इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, या फिर हिंदी आपका माध्यम भी होना चाहिए। इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मतलब कंपल होना चाहिए आपका, दोनों सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए छात्र को। इसके बाद
मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी, मतलब यदि आपने मास्टर डिग्री किया है हिंदी या इंग्लिश को छोड़कर तो आपका ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए और इंग्लिश आपका कंपल्सरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। हिंदी माध्यम से यदि आपने ग्रेजुएशन या फिर आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी होना चाहिए एंड इंग्लिश इंग्लिश एज अ कंपल्सरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट आइदर ऑफ द टू एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन या दोनों में से कोई हिंदी या अंग्रेजी आपका परीक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो आपको मैं बताता हूँ, आपको इसमें बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यदि आपने पीजी हिंदी माध्यम से किया है तो ग्रेजुएशन में आपका हिंदी अंग्रेजी कंपल्सरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि पीजी आपने इंग्लिश मीडियम में कर लिया तो हिंदी आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए या फिर माध्यम के रूप में होना चाहिए या सब्जेक्ट रूप में। तो बेसिकली यहाँ दो प्रकार के छात्र इस परीक्षा को देंगे, जो या तो इंग्लिश में पीजी किए हुए हैं या फिर हिंदी में पीजी किए हैं और उन्हीं के चयन का ज्यादा ज्यादा उनके चयन की संभावना रहती है। तो बेसिकली दो बातें आपको बता देता हूँ, इतना आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यदि आपने हिंदी में एमए किया है तो ग्रेजुएशन आपको या तो इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए या फिर इंग्लिश एज अ कंपल्सरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि आपने पीजी इंग्लिश सब्जेक्ट में किया है, एमए इंग्लिश किया है, तो ग्रेजुएशन आपको हिंदी माध्यम से होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन आपको हिंदी माध्यम से होना चाहिए या फिर हिंदी कंपल्सरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। तो बेसिकली ये है। इसके साथ जो दूसरी चीज है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको मैं आपको ये जो है ना मैं आपको यहाँ पर वो ये जो वैकेंसी है इसको मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसके लिए ऊपर की बातें तो अनिवार्य है और ये भी जरूरी है, जो दूसरी चीज है रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या फिर कॉलेज से आपको क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए। किसमें? ट्रांसलेशन में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए या रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स, या तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद भी यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर आप पूछ सकते हैं मेरे से, क्योंकि ये वैकेंसी तो आपको मैं ये जो जो आप देख रहे हैं नोटिस है तो मैं आपको दे ही दूंगा। ठीक है ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली आप सभी एलिजिबल होंगे इसके लिए। तो ये आप समझ गए। इसके बाद मैं आता हूँ आगे। अब ये परीक्षा के अलग अलग शहर दिए हैं कहाँ कहाँ परीक्षा आयोजित होगी। हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ टू पेपर्स, डिटेल्स ऑफ दी पेपर्स आर एज फॉलोस। परीक्षा दो चरणों में होगी, पेपर वन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड मोड, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। इसमें दो पेपर होंगे, मतलब जनरल हिंदी के होंगे, जनरल इंग्लिश के होंगे, दो भाग होंगे फर्स्ट पेपर के, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, और 100 मार्क्स रहेंगे इसमें। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100 और मैक्सिमम मार्क्स होगा 100। टाइम दिया जाएगा 2 घंटा और जो किसी दूसरे का हेल्प लेते हैं लिखने के लिए उनके लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, वो हमारे काम का नहीं है। पेपर टू होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, ट्रांसलेशन एंड एसे होगा। पेपर जो सेकंड होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। सॉरी, इसमें 200 मार्क्स इसमें है, वहां 100 बोल दिया था, 200 मार्क्स है इसके, मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर है जो ट्रांसलेशन और एसे का, इसमें टोटल 200 मार्क्स होंगे और 2 घंटे का पेपर रहेगा। तो पेपर वन क्या रहेगा, पेपर वन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली। पेपर वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, पेपर वन जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर वन। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। जब आप उत्तर दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका 1/4 गलत उत्तर के लिए 1/4 मार्क्स काट दिया जाए। एक नंबर का यदि आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और गलती कर दिया तो 0.25 उसका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और इसके बाद इसको यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो बाद में आपको क्या होगा, सेकंड फेज के लिए आपको बुलाया जाएगा। देखिए यहां पर बोल रहा है पेपर वन कंप्यूटर बेस्ड। अब इसका सिलेबस कैसा होगा, इंडिकेटिव सिलेबस क्या होता है पेपर फर्स्ट का, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस होगा
The questions will be designed to test the candidate's understanding of the language and literature. मतलब यह परीक्षा होगी छात्र की भाषा में और उसके साहित्य में उसका कितना अंडरस्टैंडिंग है, कितनी समझ है, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, अंग्रेजी हिंदी शब्दों का सही प्रयोग कर पाता है कि नहीं, फ्रेजेस एंड इडियम्स, मुहावरे और लोकोक्तियों का वह सही प्रयोग कर पाता है कि नहीं हिंदी और अंग्रेजी में, एंड एबिलिटी टू राइट द लैंग्वेजेस करेक्टली, और वह दोनों ही भाषाओं को शुद्धता से लिख पाने में सक्षम है कि नहीं, प्रिसाइसली एंड इफेक्टिवली, प्रभावी पूर्वक और शुद्धता से, प्रभावपूर्ण ढंग से और शुद्धता से. द क्वेश्चन विल बी ऑफ डिग्री लेवल, आपके जो प्रश्न होंगे स्नातक स्तर के होंगे, डिग्री स्तर के होंगे. पेपर टू ट्रांसलेशन एंड एसे. पेपर टू में क्या आएगा, ट्रांसलेशन आएगा और एसे आएगा, ठीक है ना. ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में, और दो एसे लिखने के लिए आएगा. तो सेकंड पेपर में आपके चार क्वेश्चन हो सकते हैं, एक प्रश्न हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक प्रश्न इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन, एक इंग्लिश में एसे और एक हिंदी में एसे. दिस पेपर विल कंटेन टू पैसेजेस फॉर ट्रांसलेशन, वन पैसेज फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वन पैसेज फ्रॉम ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी. मैं बता चुका हूँ आपको, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए एक पैसेज आएगा, एक और एक आएगा अंग्रेजी से हिंदी, एक हिंदी से इंग्लिश, एंड एन ऐसे ईच इन हिंदी एंड इंग्लिश, और एक इंग्लिश में ऐसे लिखना है और एक हिंदी में ऐसे लिखना है. इसकी आपको तैयारी करनी है. टू टेस्ट द कैंडिडेट्स ट्रांसलेशन स्किल्स एंड देयर एबिलिटी टू राइट एज वेल एज कॉम्प्रिहेंड द टू लैंग्वेजेस करेक्टली प्रिसाइसली एंड इफेक्टिवली. तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पार्ट, इट मींस वेदर यू आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड हिंदी एंड इंग्लिश बोथ द लैंग्वेजेस एंड यू कैन एक्सप्रेस योर आइडियाज इफेक्टिवली. आई थिंक इट इज क्लियर. सो देयर आर टू पैसेजेस विल बी देयर एंड यू हैव टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी इंटू इंग्लिश एंड इंग्लिश इंटू हिंदी, एंड बिसाइड्स यू विल हैव टू राइट टू एसेज इन बोथ द लैंग्वेजेस इन हिंदी एंड इन इंग्लिश. तो ये समझिए आप, द लेवल ऑफ द पेपर विल बी कंसिस्टेंट विद द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब. यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें पीजी मांगा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ठीक है. तो उस लेवल का यह पेपर होगा. तो यू हैव टू ऑलवेज कीप इन योर माइंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर. बहुत कठिन नहीं है, अगर दोनों भाषाओं में आपका कमांड है तो आप इसमें चयनित हो सकते हैं और फ्यूचर बहुत आगे अच्छा रहता है इसमें. अगर सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस में आप जाते हैं तो डायरेक्टर तक प्रमोट हो सकते हैं. तो ये बात आप समझ गए. अब मैं आगे आता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बता देता हूँ मैं जो छुट्टी हुई है. पोस्ट प्रेफरेंस भरने को दिया जाएगा कि आप सबॉर्डिनेट ऑफिस में जाते हैं, कि आप सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस का भर रहे हैं, कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जा रहे हैं, कि आर्मी वगैरह के जो ऑफिसेज में जाना चाह रहे हैं. तो मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर सजेस्ट करूंगा कि आप सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस में जाइए, वहां तक आपका उसको प्रेफरेंस दीजिए, वहां आपका प्रमोशन बहुत जल्दी होता है और आप डायरेक्टर लेवल तक प्रमोट हो सकते हैं. साथ ही साथ आप जीवन भर दिल्ली में रहेंगे, क्योंकि CSOLS के अधिकांश पोस्ट अराउंड 99% जो पोस्ट हैं केवल दिल्ली के लिए है. तो वहां पर फिर आपकी लाइफ सेटल हो जाती है, सिक्योर हो जाती है. अब मैं आपको और कुछ इसमें बातें महत्वपूर्ण है बता देता हूं मैं. तो दोनों में कमीशन का डिसीजन फाइनल होगा और दोनों में क्वालिफाई करेंगे. फर्स्ट पार्ट को आप जो क्वालिफाई कर लेते हैं पेपर फर्स्ट को, तब आपका अगला शेड्यूल आएगा, दूसरा शेड्यूल. तो दोनों शेड्यूल में मतलब इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों में रिजर्वेशन दिया रहेगा, उसके हिसाब से रिजल्ट डिक्लेयर होगा. और फर्स्ट और पेपर दोनों को मिलाकर, पेपर वन और पेपर टू दोनों को मिलाकर मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके आधार पर आपको चयनित होगा, चयन होगा. तो इसमें कुछ और बता देता हूँ मैं आगे, कुछ और खास चीज छूट रहा होगा आपको. कुछ ये सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं जो आपको देने होते हैं, तो आप देख लीजिए आप एलिजिबल हैं तो आप इसकी तैयारी करिए, बहुत ही आसान है. और मेरे से कुछ गाइडेंस चाहिए तो मैं भी यहाँ पर आपको गाइड कर दूंगा, और कुछ बातें छूट रही होंगी तो मैं आपको बता देता हूँ. यह ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का सारा तरीका और सब कुछ दिया हुआ है. अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ छूट रहा है. एज लिमिट भी हो गया, एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन पैटर्न, तो अब आप समझ गए. तो एक बार मैं एलिजिबिलिटी आपको और बता देता हूँ. मेन जो है हमारे यहाँ जो भी छात्र है इसको प्राय इस परीक्षा में अप्लाई करते हैं, जो चयनित होते हैं, दो कैटेगरी के होते हैं. एक तो वो होते हैं जो हिंदी में एमए किए हुए हैं. यदि आपने हिंदी में एमए किया हुआ है तो ग्रेजुएशन में या तो आपका अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन में इंग्लिश कंपल्सरी अथवा इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए.
और दूसरा यदि आपने अंग्रेजी में एमए किया हुआ है तब ग्रेजुएशन में आपका हिंदी माध्यम से होना चाहिए या फिर हिंदी एज अ सब्जेक्ट इलेक्टिव और कंपलसरी होना चाहिए। तो बेसिकली ये दो महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आपको क्या चाहिए, सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसलेशन का एमए जो डिप्लोमा होता है। कई यूनिवर्सिटीज कोर्स कराते हैं, जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में सीरीज में पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन भी होता है, तो पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन भी इसके लिए एलिजिबल है ना। पीजी डिप्लोमा या इन ट्रांसलेशन किया है या फिर आपने डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन किया है या सर्टिफिकेट, लेकिन इन्होंने अपने वैकेंसी में क्या लिखा हुआ है, डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा को भी इसके अंदर कंसीडर किया जाएगा। डिप्लोमा या फिर क्या किया, सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन कोर्स आपका होना चाहिए। और ये जो कंटेंट है, अब देखिए दूसरा इसका जो भाग है, इसके बाद इसको जो क्वालिफाई किया पेपर सेकंड का नोटिस भी यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट पेपर जो क्वालिफाई कर लिए होंगे ना, तो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन दूसरा आया है। द कमीशन है डिसाइडेड टू कंडक्ट द जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2023 पेपर सेकंड। पेपर सेकंड इसका हुआ था 31 दिसंबर 2023 को। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर फर्दर अपडेट्स। तो इनका रिजल्ट भी आ गया होगा, इनकी पोस्टिंग भी होने वाली होगी, संभवतः मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो यदि आप इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप बराबर SSC की वेबसाइट को देखते रहिए और रोजगार समाचार और एम्प्लॉयमेंट न्यूज का आप अवलोकन करते रहें। अब इसमें मैं कुछ टिप्स दे देता हूं कि आप इसमें चयनित कैसे होंगे। जहां तक ट्रांसलेशन की बात है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, तो योजना कुरुक्षेत्र इत्यादि जो पत्रिका आती है सरकार की, तो उसमें सेम कंटेंट हिंदी में भी रहता है, अंग्रेजी में भी रहता है। हिंदी वर्षन ले लीजिए और इंग्लिश वर्षन ले लीजिए। दूसरा जो रोजगार समाचार एम्प्लॉयमेंट न्यूज, उसमें जो आर्टिकल आते हैं फ्रंट पेज में, सेम आर्टिकल हिंदी में भी रहते हैं, इंग्लिश में भी रहते हैं। पहले तो रहते थे, फिर मैं बहुत दिन से देखा नहीं हूँ, लेकिन मतलब ऐसा आपको कंटेंट लेना है जो सेम कंटेंट इंग्लिश में भी पढ़ने को मिले और हिंदी में भी पढ़ने को मिले। या फिर आप खुद ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस करिए और गूगल ट्रांसलेशन की सहायता से आप चेक करिए। कोई हिंदी का आप आर्टिकल ले लीजिए, छोटा मोटा लेख, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए और फिर उसी लेख को हिंदी वाले को आप उसमें डालकर देखिए गूगल ट्रांसलेशन में, तो उसमें भी लगभग 95-90% एक्यूरेसी रहती है, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर आप गलत कर रहे हैं। इसके लिए आपका इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण दोनों का अच्छा कमांड होना चाहिए। इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण में आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। वर्ड पावर आपका अच्छा होना चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों का। और इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। और ऐसे राइटिंग की जहां तक बात है, तो जो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप पेपर का एडिटोरियल पढ़ा करिए, जो अच्छे स्तरीय न्यूज पेपर होते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू इत्यादि के जो एडिटोरियल होते हैं, या फिर जो हिंदुस्तान या फिर जो स्तरीय न्यूज पेपर है, मतलब आपको पढ़ना संपादकीय है। एडिटोरियल को आप पढ़िए हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप अच्छी भाषा में लिख पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए जो मेरा आज का जो लेक्चर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वास्तव में यहाँ डिमांड पर बनाया था छात्रों का कि सर हमको जूनियर ट्रांसलेटर एग्जाम देना है, क्या हम एलिजिबल है, नहीं है, क्या है, तो इसको आप और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। जो नोटिस है उसको मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अपने मित्रों के साथ भी आप इसको शेयर करें ताकि सबको ज्यादा फायदा हो। और इस चैनल में है तो आपको बिल्कुल भी, मैं चाहता हूँ कि आप कहीं बहुत अच्छी जगह पहुंचे, है ना। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।